आपको तो टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो कौन सा टॉपिक को लेकर है। यस, इट इज एन अपटाउन टॉप हॉल। करेंटली अपटाउन इज गोइंग वायरल दीज डेज, सो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट यूजिंग और ट्राइंग आउट अ डिफरेंट ब्रांड दिस टाइम। सो आई बॉट फ्यू टॉप्स फ्रॉम अपटाउन। सो माई फर्स्ट टाइम परचेज फ्रॉम अपटाउन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू कि उन लोगों का क्वालिटी कैसा है, कपड़े कैसा है, डिलीवरी चार्जेस, साइज एंड एवरीथिंग। सो कीप ऑन वॉचिंग टू डेज वीडियो। हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मनीषिका। सो द फर्स्ट वन इज दिस ड्रेप्ड क्रॉप टॉप विच इज व्हाइट इन कलर विच कॉस्टेड मी 449 एंड एक्सेल साइज में मैंने ये लिया है। दिस इज अ थ्री वे टॉप जो आप इन थ्री वेज इसको पहन सकते हो। लेट मी शो यू कि ये जब आया एंड पहनने के बाद मुझे कैसा लगा एंड हाउ आई हैव स्टाइल दिस इन थ्री वे। जब ये मेरे पास आया पहनने के टाइम पे मेरे को ऐसा लगा था कि इट माइट गेट टोन बिकॉज इतना ज्यादा टाइट था, बट इट वॉज स्ट्रेचेबल। इस तरह के टॉप फिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जो ये थ्री वे स्टाइलिंग है वो लूज हो सकता है। ऑफ द फिटिंग एंड एवरीथिंग आई लव द व्हाइट कलर। इसमें दो ऑप्शन था, एक ऑरेंज में और एक ब्लैक में और था, बट आई लव द व्हाइट वन मोर, सो आई बॉट द व्हाइट वन। हाँ भाई, मैंने इसको वन जोड़ करके पहना है एंड आई पेयर्ड इट विद अ ब्लैक बूट कट जीन्स, अ व्हाइट शू एंड बालों मैंने ऐसे ओपन हेयर ही रख दिया एंड ऑल्सो आई एडेड अ रेड फंकी बैग टू मेक इट मोर फंकी दिस लुक। तो आप इस तरीके से इसको वन शोल्डर करके भी पहन सकते हैं। इसको ऑफ शोल्डर करके पहना है, आई पेयर्ड इट विद अ रेड सैटिन स्कर्ट विच इज अ मिडी स्कर्ट एंड अगेन सेम व्हाइट शूज है। बालों को मैंने पोनीटेल किया है एंड इसमें मैंने थोड़ा सा पर्ल एंड फंकी चीज ऐड किया है, लाइक दिस शेल बिग इयर रिंग्स एंड शेल बैंगल्स एंड ऑल्सो अ पर्ल हेड बैंड। द होल लुक इज गिविंग मी, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बीच में जा रही हूँ, ऐसा टाइप का लुक। गोवा में हूँ, गोवा का साइड बीच में जो पब्स एंड पार्टीज होते हैं वहाँ पे जा रही हूँ, ऐसा टाइप का लुक है। बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये लुक। थर्ड वे जहाँ पे आप ये इसको काउल नेक करके पहन सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंडियन एंड एथनिक टच दिया है, वेयर इट विद अ पलाजो एंड थोड़ा सा पिंक बैंगल्स पहना है, सेम वाइट शूज है। पिंक बैंगल्स है इसलिए मैंने पिंक वी नेक चोकर पहना है विच इज ऑल्सो गिविंग मी दैट यू नो एथनिक काइंड ऑफ लुक। एंड बालों को मैंने पूरा बन बांध दिया है यहाँ पे पीछे, सो द होल लुक इज अ इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक। दिस थ्री वेज यू कैन स्टाइल दिस वन टॉप, आई मीन दिस टॉप इज सच अ गुड इन्वेस्टमेंट कि एक टॉप को आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज में पहन सकते हो। यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ स्टाइल फ्रॉम वन दिस वन सिंगल टॉप। आई थिंक आई लव दिस टॉप सो मच। मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉप विच इज दिस नेक क्रॉप टॉप। इसका प्राइस मुझे पड़ा था अगेन 449 एंड साइज एक्सेस में लिया है। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज था, इन प्रिंट्स एंड इन सॉलिड कलर बोथ। इसका फिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आई वॉज थिंकिंग देख के कि ये मतलब फिट होगा भी या नहीं, बट इट एक्चुअली फिटेड वेरी वेल। आई कैन वेयर दिस इन जिम एंड वर्कआउट। इसका थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है बट द मटेरियल इज नॉट फुल्ली कॉटन, थोड़ा सा नियॉन मिक्सड है, सो यू माइट फील अ लिटिल हॉट while wearing and working out if you go to gym wearing this or even in summer because it's not pure cotton. Moving on to the third top which is the seamless crop top jiska price mujhe pada tha 449 and again maine size XS mein liya hai. Picture dekh ke to kafi zyada pyara laga tha. Iska do option bhi tha, ek orange mein bhi tha and I thought why not let's buy this top because the shape not like fully cropped up, the shape is creating a corset टाइप ऑल्सो। सो अगेन मैंने एक्सरसाइज में ही लिया था ये भी, बट जब ये मेरे पास आया ये थोड़ा मेरे को टाइट हुआ एंड टाइट ऐसा हुआ कि द कॉर्सेट द शेप इज नॉट विजिबल, आई मीन वो समझ में नहीं आ रहा है, इतना टाइट हो रहा था एंड मुझे लगा कि आई शुड एक्सचेंज दिस बिकॉज आई वॉज थिंकिंग टू बाई एक साइज बड़ा इससे एस में शायद, बट अगेन मैंने सोचा कि क्यों एक्सचेंज एंड एवरीथिंग में जाऊँ, ये क्यों जाऊँ ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी वीडियो के। दिस वन एंड वेयर इट एज अ ब्लाउज फॉर अंडर एनी साड़ी और एनी एथनिक वेयर बिकॉज ये इसमें बहुत अच्छे से चल जाएगा एंड आई डोंट हैव एनीथिंग ब्लैक क्रॉप टॉप ऐसा वाला जो मैं इस टाइप ऑफ चीज़ के लिए यूज़ कर सकूँ एंड इट वॉज नॉट दैट मच टाइट, सो आई थिंक आई कैन यूज इट फॉर नाउ अगर मैं वेट गेन ना करूँ और मोटा ना हो जाऊँ तो। मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉप विच इज ऑल्सो वन ऑफ माई सेकेंड फेवरेट टॉप विच इज अ रिप्ड टॉप विच हैज अ बैक कट
साइज मुझे पड़ा था 720 एंड साइज एक्सेस में लिया है. इसमें एक और ऑप्शन था विच इज ब्लैक इन कलर. दिस होल टॉप इज लाइक It's like amazing. It has one shoulder, full sleeve, and in the back, the cutout is. I am in love with the back. तो इसको मैंने दो तरीके से style किया है. एक में मैंने इसको black flare jeans के साथ style किया है. And also you can pair it with your any kind of baggy pants. यहाँ पे मैंने एक parachute ऑलिव ग्रीन कलर का पैंट पहना है बिकॉज ऑलिव ग्रीन था और ये भी ग्रीन था. यू नो थॉट ऑफ मेकिंग इट अ मोनोक्रोम वे. आई कुड हैव वेयर इट विद अ अगेन ब्लैक पैराशूट पैंट बट सेम हो रहा था तो कुछ अलग करते हैं इसलिए मैंने ये वाला सोचा. मूविंग ऑन टू द लास्ट वन जो है ये वाला, मुझे ये काफी ज्यादा प्यारा लगा था. दिस इज अ बैकलेस टॉप. इसका प्राइस भी 720 में था एंड इसमें मैंने साइज एक्सेस अगेन ऑर्डर किया था. सारा ही टॉप इफ यू सी आर ऑन एक्सेस बट आई डोंट हैव एनी वीडियो ऑन दिस. यू नो व्हाई? बिकॉज ये जब मेरे पास आया था ये इतना ज्यादा साइज में छोटा था दैट आई वॉज नॉट एबल टू वेयर इट. मतलब घर के बाद तो घुस ही नहीं रहा था. आई हैड टू रिटर्न दिस. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. एंड द प्रॉब्लम वॉज कि इसका इन लोगों का जो रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ढूंढने के बाद मेरे को मिला. द इंटरफेस इज बिल्ड इन सच अ वे कि इन लोगों का थोड़ा सा अलग ही है. जनरली आपके ऑर्डर्स में जो आपने ऑर्डर किया है वहाँ पे दिखाता है इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सचेंज और रिटर्न. इन लोगों का जो एक्सचेंज वाला ऑप्शन ही तो वो तो कहीं और ही था. बहुत जल्दी रिटर्न हो गया था एंड उसके बाद मैंने और मन नहीं किया कि मैं फिर से दोबारा ऑर्डर करूँ दूसरा साइज में. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैंने वो ब्लैक टॉप क्यों नहीं रिटर्न किया, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं शायद ये यूज़ कर पाऊँगी फिर भी. तो मेरे को नहीं जाना था रिटर्न वाला ऑप्शन में. लोगों का अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है स्पेशली ऑन अदर कैटेगरीज लाइक कोट सेट्स एंड एवरीथिंग. टॉप सेक्शन में भी मैंने जो भी बहुत ही टॉप नॉच था वही मैंने दिखाया. अपार्ट फ्रॉम दैट डिलीवरी इज़ वेरी गुड. बहुत जल्दी डिलीवर हो गया था. रिटर्न जब मैंने किया था वो भी बहुत जल्दी हो गया था. क्रेडिट भी बहुत जल्दी हो गया था. दे वर वेरी फास्ट ऑन दिस बट इन क्वालिटी वाइज आई वुड से 7 out of 10. सो गाइस एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. मेक श्योर यू गो एंड चेक दैट आउट. इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल देन डोंट waste your time, just subscribe and click the bell icon so that you don't miss on any other new video. I will see you in my next video. Till then, stay happy, stay fashionable.